संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव, विजय भव। हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीषर फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मनीषर क्लासेस में। आज फिर मैं आप सभी के साथ मुखातिब हुआ हूं कुछ मेरे नए सिलेक्शंस के साथ। अमित वर्मा हैज बीन सिलेक्टेड इन एसएससी सीपीओ एंड नेहा वर्मा हैज बीन सिलेक्टेड इन एसएससी फेज 9। और सबसे अच्छी बात है दोनों भाई बहन हैं, एक ही परिवार से हैं। मैं उन पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि इतनी अच्छी परवरिश और कंसिस्टेंसी दी, इतना अच्छा माहौल दिया, कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरने दिया बच्चों का। और आज अमित और नेहा दोनों के दोनों सेलेक्ट होके बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेकर बैठे हुए हैं। और मैं आप सभी जितने भी दर्शक या जितने भी पर्सन्स मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी को भी कहना चाहूँगा बढ़िया तरीके से पढ़िए और अपने घर वालों को भी मोटिवेट करते रहें, अपने छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन जो भी हैं उन सबको मोटिवेट करते रहें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहें। तो चैंपियंस, थोड़ा सा एक छोटा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलता रहेगा, थोड़ी सी बात करते हैं अमित से। अमित, थोड़ा सा अपना जॉब डिस्क्रिप्शन बताओगे कैसा क्या कैसा? जैसे कि सर ने अभी मेरे बारे में बताया कि आई एम सिलेक्टेड इन सीपीओ 2019 और रिसेंटली मैं अभी बीएसएम में एज ए सब इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ अगरतला में, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। जैसे कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है जो है वो सभी लोगों को इतना मतलब ल्यूक्रेटिव लगता है कि यार एक रिस्पेक्ट अलग ही है गवर्नमेंट जॉब की। जैसे कि आपने कोरोना में देखा कई प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट थे या जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने कई बड़े बड़े पैकेज वालों को उन्होंने निकाल दिया कि कोविड में हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। पर गवर्नमेंट, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में जो भी बंदे थे वो सभी लोग गवर्नमेंट में बढ़िया तरीके से काम किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, इसलिए गवर्नमेंट जॉब हमेशा सबके लिए अच्छा होता है। मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो एक रुतबा रहता है, एक रिस्पेक्ट रहता है, जब सब लोग आपको देखते हैं एक लेवल होता है कि आपको रिस्पेक्ट हर जगह मिलती है, चार लोग आपके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको प्राउड फीलिंग देती है। नहीं, रुतबा तो अलग है गवर्नमेंट जॉब का। तो नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा बता माइक दे कि अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स को बताएं जो मैं अभी आपको सुन पा रहे हैं। मेरा एसएससी फेज 9 में सिलेक्शन हुआ है। एसएससी फेज 8, फेज 9 और फेज 10 के तीनों ईयर के एग्जाम मेरे क्लियर हैं। अभी मैंने एसएससी फेज 9 उसमें से सिलेक्ट किया है एंड नाउ आई एम पोस्टेड एज एएसआई इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन वाराणसी। दैट्स अ ग्रेट थिंग कि दोनों के दोनों कहते हैं, कई लोग डायलॉग देते हैं मैं इस मिनिस्टर को जानता हूं, मैं उस मिनिस्टर को जानता हूं, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों साथ में, बढ़िया शानदार। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब इस तरीके की जॉब, इस तरह का रुतबा आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हाँ लाइफ में जब आप पेरेंट्स भी एग्जांपल देना तो सामने वालों को मतलब थोड़ा लगे कि हाँ लेवल क्या है। तो अमित, तैयारी को लेकर थोड़ा सा इनको मैसेज देना चाहोगे कैसे क्या तैयारी रही अपनी हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, मैथ्स इंग्लिश कैसा क्या रहा अपना सिस्टम? जैसे कि जब भी आप कॉम्पिटिशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीएस हुआ, इंग्लिश हुआ, कहीं ना कहीं आपको फियर रहता है कि यार मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश मेरी कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में रह जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने मतलब जब तैयारी स्टार्ट करी तो मेरे को भी इंग्लिश का थोड़ा सा था कि यार इंग्लिश जो है वो पूरे तरीके से बन नहीं पाती है, 40-50% ही नंबर आते हैं। फिर उसके बाद सब जब मैंने सर के यहाँ क्लासेस ज्वाइन करी तो सर के जो मैराथन क्लासेज हैं वो मतलब ऐसा रहता है कि बिल्कुल अपडेटेड वर्जन रहता है क्वेश्चंस का, और जो सर पढ़ाते हैं जैसे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो बुकलेट में जो मटेरियल रहता है वो एज इट इज़ हमको एसएससी के एग्ज़ाम्स में मिलता है। तो वहाँ से मेरा जब मैंने स्टार्ट किया सर के आना तो धीरे धीरे करके मैंने प्रोग्रेस किया और फिर नंबर जो थे वो मेरे जब सीपीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ था वो 200 out of 189 आए, तो वो ऑलमोस्ट टॉप 15 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में मैं था जिसके नंबर 189 थे। तो वो सब सर की गाइडेंस की वजह से हुआ और जो भी अपडेटेड वर्जन जो सर के पास रहता है लेटेस्ट से लेटेस्ट, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, पीडीएम फ्रेजेस हो, कुछ भी हो, वो सब आपको नए से नए मिलता है। और सर जितना भी मतलब मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वो मोस्टली एसएससी एग्ज़ाम्स में आपको 85-90% वो मिलते मिलता है। दैट्स गुड, दैट्स अ ग्रेट थिंग कि ऑल इंडिया लेवल पर अगर मैं बात करूँ
टॉप 10 या टॉप 15 स्कोरर में आप देख सकते हो कि 200 में से 189 नंबर अगर किसी पर्सन के आ रहे हैं तो ये कह सकते हो ऑल इंडिया टॉप 15 या टॉप 10 का स्कोर है। मैं भी चाहूँगा आप लोग बहुत शिद्दत से पढ़ते रहें, हम लोग एक बस केवल एक मार्गदर्शन है, मेहनत आप लोगों की रहती है बस ये है। लेकिन बच्चों को क्या होता है, शुरू में गाइडेंस नहीं होता, तो विदाउट गाइडेंस प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से कई बार टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो अपना टैलेंट वेस्ट ना करें, अच्छी से अच्छी जगह जुड़े। अगर आप अच्छे से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कोई बेकार पढ़ाता, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस ये कहना चाहूँगा हम लोगों ने बहुत मेहनत की और आगे भी मेहनत करते रहेंगे इसी तरीके से आपको सम्मान दिलाने के लिए, जॉब्स दिलाने के लिए। अभी तक हम 200 सिलेक्शन दे चुके, 200 प्लस सिलेक्शन दे चुके हैं, आगे भी मेहनत रहेगी और 500 प्लस तक इसको ले जाना है और बहुत अच्छा लेवल देना है। तो नेहा, अक्सर बचपन में या हर स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश को लेकर एक फोबिया रहता है, डर रहता है, तो अपने साथ भी कोई इंग्लिश को डर था शुरुआत में या नॉर्मल था सब कुछ? सर, जैसे कि सारे बच्चों के साथ फोबिया होता है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पीकिंग में दिक्कत होता है, किसी को ग्रामेटिकल दिक्कत होता है, लेकिन सर मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे स्पीकिंग में भी दिक्कत था और सर ग्रामेटिकल मेरे एरर्स हो जाते थे काफ़ी। तो सर जब से मैंने मनीष सर का क्लासेस ज्वाइन किया है तब से मुझे Day 4-5 days के बाद ही मुझे लगने लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने ऊपर वर्क किया, सर का गाइडेंस मिला मुझे और आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। That's good. तो अब इंग्लिश को लेकर अब तो डर तो नहीं लगता या अभी अब भी कोई डर नहीं लगता है? हाँ, तो बस मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए इंग्लिश किसी की अच्छी नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना हम जीरो इंग्लिश में, मोस्टली देखा जाए बचपन से देखे आज तक आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा। पढ़ना और सीखने में अंतर होता है। पढ़ना मतलब होता है आपने पढ़ लिया लेकिन आप किसी को समझा नहीं सकते हो। सीखना क्लासेस की स्पेशलिटी ऐसी रहती है कि आपको उस तरीके से सिखाया जाता है कि आप 10 लोगों को और एक्सप्लेन कर सको। बस ये कहना चाहूँगा कि आप भी आगे बढ़ते रहें और जितने भी लिसनर मेरे को सुन रहे हैं, कई लोग अगर होपलेस भी होते हैं कई किसी भी चीज़ को लेकर, कई जगह कोचिंग्स करने के बाद भी आपको अगर दिक्कत आती है इंग्लिश में, तो एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आप एक प्लेटफॉर्म को चेक करके देखिए और आपको खुद समझ में आएगा कि बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश या लेवल वाली इंग्लिश क्या होती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी उस प्लेटफॉर्म से। तो हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग चल रही है अभी, थोड़ा सा आगे क्या और करना है या थोड़ा सा एक्सप्लेन करो थोड़ा सा आगे का फ्यूचर वगैरह? जैसे गवर्नमेंट में अगर आप हो तो ये सबको ये रहता है कि आप गवर्नमेंट नौकरी लग गई, अब आराम की ज़िंदगी है, पैसा अच्छा है, रुतबा अच्छा है, लग्जरियस लाइफ है, आराम से। लेकिन जैसे आप मनीष सर को मतलब आप फॉलो करेंगे या आप कोचिंग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मुझे आगे रुकना है, मुझे आगे और कुछ करना है, मुझे आगे और कुछ करना है। तो वो कहीं ना कहीं जब आपकी वो चाह रहेगी कि मुझे आगे और कुछ करना है, इससे अच्छा करना है और नाम कमाना है, तो वो भी मैंने भी ऐसा डिसाइड किया है कि अभी मेरे को यहाँ रुकना नहीं है, इससे ऊपर एज असिस्टेंट कमांडेंट जो भी होता है यूपीएससी कंडक्ट कराता है वो एग्ज़ाम देना है। तो अभी तैयारी मेरी रनिंग है और मैं अभी दोबारा मतलब तैयारी कर रहा हूँ और आगे कोशिश रहेगा बहुत जल्दी आपको। कई बार वैसे जब वहाँ पर अगर अपन प्लेटफॉर्म वहाँ पर जैसे पोस्टेड है वहाँ नहीं पढ़ पा रहे होते हैं या कुछ चीज़ें वैसे तो सब इंग्लिश में क्लियर है ही, फोकस नहीं कर पा रहे होते, तो क्या क्या चीज़ फॉलो करते हो, कैसे कैसे? मतलब जैसे अगर मैं जैसे पहले तो जब तैयारी कर रहा था तब तो सर की ऑफलाइन क्लासेस लेता था, अब ये है कि अब जॉब कर रहा हूँ तो ऑफलाइन क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है, तो सर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी सेम ही है, तो वो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेता हूँ, वहाँ से क्लासेस लेता हूँ और सर की जो बुकलेट वगैरह होती हैं वो मैं बाय कोरियर मंगवा लेता हूँ अपने पास, तो सारा बुकलेट से और सर के ऑनलाइन लेक्चर से कंप्लीट हो जाता है और उसी से तैयारी को आगे बढ़ा के बढ़िया सिलेक्शन लेना है आगे और भी। बस तो मैं आप सभी लिसनर्स को और मेरे सारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि बस कंसिस्टेंसी रखें, लगातार पढ़ें और कहीं हाइप होने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, हर चीज़ आपको एकदम से क्वांटम जंप। कई स्टूडेंट्स होता है डीमोरलाइज हो जाता है, सोचता है कि सर अभी मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, महीनों हो गए सालों हो गए लेकिन उतना मेरे को जंप नहीं मिल रहा है, नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखना क्वांटम जंप आपको तुरंत मिलेगी जब आपको जब आपका एक लेवल क्रॉस हो जाएगा ना, उसके बाद सारे एग्ज़ाम्स शुरू में बहुत मुश्किल होती होगी एग्ज़ाम्स निकालने में, लेकिन जब एग्ज़ाम निकले तो लाइन से सारे एग्ज़ाम निकले होंगे, बहुत सारे कौन कौन से CGL, अमित का CGL क्लियर हुआ, CPO क्लियर हुआ, लेकिन वो CSL, स्टेनो सारे जितने भी एग्जाम्स हैं वो निकले हुए रखें, लेकिन एक लिमिट तक आपको पहले प्रिपरेशन करनी। पेड़ होता है ना, पेड़ वही चीज़ है, अमेरिका का एक वृक्ष होता है रेडवुड वृक्ष,
अगर देखा जाए 2 साल में वो केवल 2 फुट बढ़ पाता है, लेकिन अगले 6 महीने में वो 30 फुट का हो जाता है। बस मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन शुरू में आपकी प्रोग्रेस आप नहीं देख सकते हो, लेकिन जब 2 साल बाद, मैं तो कहते हैं ना, जब कुछ टाइम बाद वो जो जंप, क्वांटम जंप लेगी, वही चीज़ आपको दिलाएगी। तो कंसिस्टेंसी मत रोकिए, पढ़ना नहीं रोकिए, पढ़ाई करते रहिए। और मेरी विशेष, हम सबकी विशेष आप सभी के साथ हैं। और कुछ आपको कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत अच्छे से करनी है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, कुछ भी हो। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स एसएससी इस तरीके कंडक्ट करा रहा है कि इंग्लिश का वेटेज हर एग्ज़ाम में ज़्यादा है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो। चाहे आप एसएससी स्टेन हो ले लो, 50% इंग्लिश आती है। एसएससी सीपीओ ले लो, 400 में से 250 नंबर की इंग्लिश है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का वेटेज इतना है कि आपको इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी कम हो तो वो आपका पोर्शन इंग्लिश में पूरा हो सके और इंग्लिश से सिलेक्शन आपको मिल सके। तो यही है कि आप जितना ज़्यादा इंग्लिश को कवर करेंगे कि मैं 100 में से 95-98 नंबर लेकर आऊँ या 250 में से 240 नंबर लेकर आऊँ, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सिलेक्शन लेना आसान होगा। तो चैंपियंस, आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है या एडवांस भी, आपको हर तरीके उस प्लेटफॉर्म पर आपको वीक से एडवांस तक बनाया जाएगा। और अगर आप गोल्ड हैं तो डायमंड बनाने की गारंटी मेरी है। बस ज्वाइन कीजिए मनीषर क्लासेस ऑफलाइन, और ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन के लिए डाउनलोड कीजिए मनीषर क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। वहाँ पर आपको सारे, उस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें हर कोर्स के अकॉर्डिंग सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, हर एग्जाम के अकॉर्डिंग। एंड इन लास्ट, वी ऑल आर मनी सर्स चैम्पियंस। ओके, तो ऑल द बेस्ट सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा मनी सर को ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन लेते रहिए। ओके, तो सभी लोगों को हम लोगों का प्यार भरा नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट।